स्टडिंग इस्लामिक रीडिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ इकबाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इस ब्लॉग को या मेरे यूट्यूब चैनल को बनाने का एक मकसद ये भी था, बहुत सारे मकसद थे, बहुत सारे वजूहात थे जिस वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया या कि मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया, शुरू की। उसमें एक था जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट था मेरा, वो था एजुकेशन, कि तालीमी एतबार से मैं कुछ काम करूं आप लोगों के लिए और कुछ खिदमत अंजाम दूं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, जो मेरे चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनका एक मुझे रिक्वेस्ट था या उनकी एक बहुत दिनों से गुजारिश थी कि आसिफ भाई आप एजुकेशन पे कुछ बात करें, या जिस सूबे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस सूबे के बारे में कुछ बात करूँ, उस पेशे के बारे में कुछ बात करूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा सुनते होंगे, जानते होंगे या समझते होंगे, जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइफ इज़ टू लिव सो लव इज़ टू गिव। ज़िंदगी प्यार से आराम से जीने का नाम है ना, सब लोग जीते हैं दुनिया में, हर इंसान ये चाहता है कि वो सुकून से आराम से अच्छे से जिए, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे। तो बेहतर ज़िंदगी का राज क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, सिर्फ जीना या सिर्फ अच्छा काम करना, सिर्फ पैसा कमाना, ये तो पर्पस नहीं है, ठीक है। तो मामला क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप कुछ बातें सेफ्टी के हवाले से करें। और मैंने भी ऐसे YouTube में, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी मीडियम हैं, आप जाएं वहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी की बातें हैं, मगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आसान लफ्ज़ों में नहीं, आसान मतलब आसान भाषा में नहीं है। अगर आप उसको देखें तो आसान नहीं है चीज़ें, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। लोगों ने समझाया है सेफ्टी को एक अलग अंदाज में, मगर मैं आज आपको सेफ्टी को पेश करने जा रहा हूँ एक ईजी लैंग्वेज में, जो हर बंदा ये आसान सी अल्फाज में हर इंसान समझ जाएगा सेफ्टी है क्या। हर जगह कहा जाता है जी सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट अव्वल सलामा, ठीक है, सेफ्टी हर जगह पहले नंबर अव्वल नंबर, सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं, कुछ भी फैक्ट नहीं होता या कुछ भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, अमल दराजी नहीं होती, किताबों वाली बात है, किताबों में सेफ्टी दर्ज है, ठीक है। और बहुत सारी किताबें, मोटी मोटी किताबें हैं सेफ्टी की, मेरे पास भी पढ़ी होंगी सेल्फ के अंदर, मैं कभी निकाल कर उनको पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ। या बहुत सारे लोग सेफ्टी के पेशे में हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं जी, सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं, कोई सेफ्टी सुपरवाइजर कहता है, कोई सेफ्टी इंजीनियर कहता है, कोई अपने आप को सेफ्टी मैनेजर कहता है, और भी दीगर बहुत सारे जॉब हैं सेफ्टी के पेशे में। तो मकसद क्या है मेरा, मेरे आज के ब्लॉग को बनाने का, एजुकेशन कहाँ पर है छुपा हुआ, कि आप पहले तो कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत सारे लोग सेफ्टी को ही समझते हैं जी, पैसा कमाने वाला पेशा है। मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सेफ्टी खिदमत करना है, इंसानियत खिदमत करना, पैसा एक सप्लीमेंट्री इशू है, ठीक है, पैसा आएगा साथ साथ आएगा बिल्कुल, जब आप सेफ्टी में काम करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे। मैंने आपको चार लेवल ऑफ प्रोफेशंस बताया, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, और भी दीगर बहुत सारे जॉब है सेफ्टी के पेशे में। तो बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं, पैसा कमाने का एक जरिया समझते हैं, कुछ दिन ट्रेनिंग कर लेते हैं, दो चार छः महीने एक साल, चलो जी सेफ्टी में लग जाएंगे, बेहतर पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, कोई काम भी नहीं होता खास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, सेफ्टी एक एजुकेशनल फील्ड है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सेफ्टी को, जो बरे सगीर के लोग हैं, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि जी सेफ्टी एक पुलिस वाले के जैसा जॉब है। मेरी इस पर काफ़ी लोगों से बहस हो चुकी है, सेफ्टी बिल्कुल भी ऐसा नहीं, सेफ्टी एक एडवाइजर जॉब है, मशवरा देना, ये लोगों की बात को सुनना और उनको एक पॉजिटिविटी देना, उनको मोटिवेट करना, उनको मशवरा देना, उनको हेल्प आउट करना आउटकम करने के लिए, या उनको मोटिवेट करना अच्छा काम करने के लिए, ये है सेफ्टी का जॉब। एक तरह से अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ, मेरे कॉन्सेप्ट से, तो सेफ्टी एक लॉयर का जॉब है, आप एक कंपनी के वकील हैं, एम्बेसडर हैं आप कंपनी के, आप कंपनी को हमेशा बचाते हैं। अगर मैं सेफ्टी में काम करता हूं तो मैं कंपनी का लॉयर हूं, मैं कंपनी का एम्बेसडर हूं, मैं क्लाइंट से लेके एक वर्क फोर्स तक जाकर के कंपनी को सेव करता हूं, कंपनी को बचाता हूं, अपनी बात आगे रखता हूं, मैनेजमेंट की बात आगे रखता हूं, क्योंकि
उनकी सेफ्टी क्या है, मिड लेवल मैनेजमेंट जॉब है। मैनेजमेंट बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये मिड लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी बहुत तरह के लेवल के होते हैं। तो सेफ्टी वाले कहां पर आते हैं, फिट होते हैं, सेफ्टी वाले फिट होते हैं, कुछ सेफ्टी वाले फिट होते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट में और कुछ होते हैं हाई लेवल मैनेजमेंट। तो जो लोग हाई मैनेजमेंट लेवल में होते हैं, जहां फिट हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो लोग फिट हो जाते हैं, जैसे फर्ज कर लें सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज, सेफ्टी एडवाइजर, तो हमने ये सीखा है, हमने देखा है कि जी अंग्रेजी का जो भी चीज़ है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो हम उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं वो अंग्रेजी को ऐसा समझते हैं जी अभी भी कोई एलियन की जबान है, मगर अब ऐसा नहीं है। ये मिथ टूट चुका है कि ये जो मिथ है, मिथक थी कि जी चीज़ें सेफ्टी की जो है वो अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज क्या मामला है हमारे सामने कि सबसे पहली चीज कि हम ये समझने की कोशिश करें कि सेफ्टी होता क्या है। बहुत सारे लोग सेफ्टी इसको कहते हैं जी फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क, खतरे से बचना सेफ्टी है। मगर मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, तो मैं आपको ये कहता हूँ ये एक फलसफा है, एक सोच है, एक जीने का अंदाज है सेफ्टी। बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं, किताबी बातें हैं जी, किताब में जो लिखी है उस डिफिनेशन को पढ़ लें और उसको हर जगह बोलते रहें, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। सेफ्टी एक बिलीव है, दिल से ये आपको बिलीव होना चाहिए कि वाकई आपने खिदमत करना है, आपने किसी की लाइफ को बचाना है, किसी को सेफ गार्ड करना है आप। मगर ये सेफ गार्ड कैसे होगा, जब आप साइड पे जाएंगे, हर बंदा टास्क बेस्ड है, काम करने के एतबार से सोचता है, बस काम सही हो गया जी मैंने बहुत अच्छी सेफ्टी कर ली। मगर ऐसा नहीं है, जिंदगी के हर सूबे में, जिंदगी के हर दौर में, हर स्टेप में हमें सेफ्टी की जरूरत है, हमें हिफाजत की जरूरत है। मगर वो हिफाजत कैसे होगी, वो हिफाजत ऐसे होगी दोस्तों कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कट करना है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि सेफ्टी एक एडवाइजर जॉब है, हमने लोगों की बात सुननी है सबसे पहले तो, और दूसरा ये है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। जो नफ्स है ना आपके, गुस्सा होने वाला, टेंशन लेने वाला, पैनिक होने वाला, ये चीजें हटानी पड़ेंगी, हमें लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, कोई बंदा गलत काम कर रहा है, उसको तुरंत रोका टोका, उसको डांटा समझाया, वार्निंग लेटर इश्यू किया, ये प्रोसीजर सही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, साइट पे गए, एक ही फोकस होता है पीपीई, भाई पीपीई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उससे पहले और भी चार चीजें हायरार्की ऑफ कंट्रोल में है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लास्ट पीपीई आता है। तो इससे पहले के जो चार कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इलिमिनेट करें हजार्ड को, आप खतरे को हटाएं, सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूशन करें, उसके बाद से आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को आजमाएं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी इस दुनिया में कुछ भी सीख के नहीं आता, हर बंदा इस दुनिया में आके सीखता है, कोई पहले से सीख के आया रहता है, कोई नहीं आता सीख के, हर बंदा नीचे से ऊपर ग्रो अप करता है। जैसा उसका टैलेंट होता है, जैसा उसके अंदर में एनर्जी होती है, वैसा वो बंदा आगे ऊपर जाता है। तो हमने भी सीखना है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का। उसके बाद आती है साइड में इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से भी नहीं हुई उनको इंजीनियरिंग कंट्रोल से इलिमिनेट करके ट्राई करेगा। अरे उनसे भी नहीं होगा तो लास्ट लाइन में पीपीई आएगा, पांचवें नंबर पर देख लें पीपीई है, ठीक है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पांच नंबर है पीपीई है। और पीपीई में मुख्तलिफ पीपीई है, कुछ लोग बेसिक पीपीई पे जनरल ध्यान देते हैं, जनरल बातें पर। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये जनरल सेफ्टी पे बेस्ड है, और इसका कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमने सेफ्टी को सिंपल करके, सिंप्लीफाई करके समझना है आसान सी चीजों में, ठीक है। ये समझ लें कि जब भी आप सेफ्टी में काम करें तो लोगों के बारे में जेन्युइन केयर करें, एक स्टार क्वालिटी लेके आए। अगर आप ऑफिसर बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, तो ऑफिसर वाली क्वालिटी तो लेके आए ना, ऑफिसर वाली क्वालिटी कब आएगी, जब लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे उनके दुख दर्द को। इवन ये नहीं, कोई रिलेट ये नहीं करना है कि जी काम की बात होगी तो ही मैं सुनूंगा, कोई दूसरी बात उनकी नहीं सुनूंगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है, बंदे के अंदर माइंड से ज्यादा उनके हार्ट में घुसना पड़ता है, उनके दिलों में घुसना पड़ेगा, सोल टच, हिज सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल, इन दोनों को बोलते हैं दिल गुर्दा कलेजी, इनको टच करना बहुत जरूरी है। बीइंग अ सेफ्टी एडवाइजर, सबसे पहला काम हमारे होना चाहिए कि हम लोगों के दिल में अपनी जगह बनाए और उनकी बातें सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत जहीन लोग हैं इस दुनिया में, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई कलाकारी होती है, उनके कलाकारी को बाहर निकलने दें, एक्सप्लोर करें उसको,
उनकी बातें सुने, फिर एक अपना कॉन्सेप्ट वहां पर रखें, अपनी बात उनके आगे रखें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर बेस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे मुल्क में तो ये चीजें नहीं ना, किसी को कुछ बोलो अरे चलता है यार, ऐसे ही होता है यार, ये फलसफा हमारे चलता है और होता है यार, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये तरीकेकार बिल्कुल भी सही नहीं है। मामला क्या होना चाहिए कि बात को सुन के समझ के और चीजों को कायदे से किया जाए, तरीके से किया जाए, उतनी सिस्टमेटिक वे में, हर चीज सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए और उसके तरीके से हमें चलना है। तो जिंदगी का भी एक कायदा है, कानूनी निजाम है। तो जब भी आप इस सूबे में काम करें तो जनरली ये बात समझ लें कि आप कंपनी के एम्बेसडर हैं, आप कंपनी के एडवाइजर हैं, आप कंपनी के खैर खां हैं और लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाले हैं, लोगों के बारे में हमेशा पॉजिटिव और लोगों का केयर करने वाले हैं। जब आप केयर करने वाले बन जाएंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज ए सेफ्टी एडवाइजर, लोग खुद आपके पास आएंगे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, फलसफा क्या है। सेफ्टी को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। पहले आज सेफ्टी का इदारा किसके पास है, सेफ्टी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसके पास है, या तो यूके वालों के पास है या तो यूएस वालों के पास है, ठीक है। हमारे मुल्कों में बस उनको हम कॉपी पेस्ट सिर्फ करते हैं। तो मामला कहां पर है कि आप सेफ्टी में अगर हैं तो ये चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम कहां पर हैं और हमें क्या करना है। अगर हम उनके सिस्टम को ले रहे हैं तो हम कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिस्टम पे अपनी चीजें कहां पे लेके आके फिट कर रहे हैं, या हम उन पे क्या काम आगे कर रहे हैं। अगर हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं तो क्या वो कॉपी पेस्ट वैसे ही चल रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, नहीं, हम अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को ढाल रहे हैं, अपनी जबान में तर्जुमा कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेट जब कर रहे हैं तो इसको ईजी करना है अपने लोगों के लिए, क्योंकि अपने लोग अपनी जबान समझते हैं, ठीक है। तो इनको ईजी कैसे करना है हमें, कि हमें चीजों को उठा करके पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले एजुकेट, सबसे पहले तो हमें खुद को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशन अपने आप में लाना पड़ेगा, मुझे खुद इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सेफ्टी में क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। जो लिखी हुई चीजें हैं उसको निकाल के, निखार के, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने बंदों को टीच करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं क्राफ्टमैन ट्रेनिंग या ओजीटी, ऑन जॉब साइट ट्रेनिंग, ये उनको देनी पड़ेगी। और जब उनमें वो बेदारी आएगा तो वो खुद आपके पास आएंगे, मतलब सेफ्टी वालों के पास वो खुद आएंगे, सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास खुद बंदे आएंगे, मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि जी हमें ये बताएं कि ये चीजें कैसे होती हैं। उनके अंदर खुद वो इंटरेस्ट होगा कि वो आपसे आके बात करें, आपसे मिलें और आपसे चीजों को सीखें। मगर कब सीखेंगे, जब आप में वो टैलेंट होगा और आप में जब वो इंफॉर्मेटिव चीज है, वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर होगी, तब जब आपके अंदर फल होगा और मीठा फल होगा तो लोग खुद आके आपको तोड़ेंगे और आप खाने की कोशिश करेंगे, आपके पास आएंगे। मिसाल मैंने इसलिए दिया है कि लोग आएंगे और आपसे बातें करेंगे, आपसे मशवरा करेंगे, आपसे पूछेंगे और आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, बैठ के सुनेंगे और बातों को समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस पर अमल भी करेंगे। और इस अमल का फायदा क्या होगा कि इंसानी जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत जरूरी है। तो आज का मेरा ये पहला लेक्चर सेफ्टी पे यहीं पे एंड करना चाहूंगा, और फिर जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैंने एक एक टॉपिक वाइज आपको चीजें समझानी है, मैंने एक एक चीज आपको सिंप्लीफाई करके बताना है जिससे हर कोई फायदा उठा सकता है, चाहे वो सेफ्टी के पेशे में हो या नहीं भी हो। सेफ्टी वालों के लिए तो है ही ये फायदा, मगर ये आम इंसान के लिए जिंदगी पे, एक ह्यूमन बिहेवियर पे, अगर एक आम, खास की बात नहीं कर, आम जिंदगी में हर इंसान के लिए फायदेमंद है कि वो अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।